तो यार ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो इस पार्ट पे दबा के आप सभी अपना प्यार दिखाना। और हाँ, इस पार्ट को मुझे लाने में काफी ज्यादा ही टाइम लग गया, क्योंकि भैया तुम देख ही सकते हो ये पार्ट कितना ज्यादा लॉन्ग है। और हाँ, ये पार्ट पिछले पार्ट से काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि भैया ये लास्ट पार्ट है तो मैंने कुछ ना कुछ तो नया किया ही होगा। और हाँ, इस पार्ट की स्टोरी लिखने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो मेक श्योर आप सभी अंगूठा लगा के जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ही ऐसा कंटेंट लाता है। और हाँ गाइस, मेरे गेमिंग चैनल को भी आप सभी जाके चेकआउट करना, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। And yeah, keep watching। तभी हमें दिखाया जाता है वेजिटा, और वेजिटा आसुरा से कहता है, तो जैसा कि तुमने बताया, जिन जिन को भी तुम अब्सॉर्ब करते हो तो तुम उनकी मेमोरीज को देख सकते हो, तो तुमने मेरी मेमोरीज को भी तो देखा होगा, पर मैं इकलौता हूँ जिसे कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो बाबडी भी नहीं कर पाया था, तो तुम क्या कर पाओगे। और तभी गोकू और ब्रोली वेजिटा से फिर से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी फॉर्म है कौन सी, और तभी वेजिटा गोकू से कहता है, याद करो के करोट गोकू ब्लैक की वो बात कि उसने कहा था कि हम में है एशियन स्कोट की ताकत, बस उसे पहचानने की बात है के करोट। और फिर हमें दिखाई जाती है वेजिटा की वो फॉर्म, वेजिटा अपने उस फॉर्म में बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रहा होता है। और तभी गोकू कहता है, क्या क्या एशियंस गॉड्स, मुझे उनको अपने अंदर खोजना होगा। और तभी ब्रोली कहता है, ये हम कर सकते हैं कैकरोट, हमें ये करना होगा, हमें अपनी फैमिली के लिए, इसको हराने के लिए हमें ये करना ही होगा। मैं नहीं जानता कि आखिर ये एशियंस गॉड्स की ताकत आखिर कैसे काम करती है, पर फिर भी हमें ये करना ही होगा करो। और तभी अचानक से ही वेजिटा अपनी टेक्निक का यूज करके गोकू और ब्रोली पे किसी एक शील्ड को ले आता है, और वो उनसे कहता है, अपने सैयन प्राइड को जगाओ, अपने सैयन जाति के लिए, अपने सारे परिवार के लिए। और वेजिटा ये सब कहते कहते असुरा से लड़ रहा होता है, और तभी वेजिटा असुरा से कहता है, क्या तुम सच में हमारे पास्ट के बारे में सब कुछ जानते हो असुरा? एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस सैयन से हार के आखिर तुम्हें कैसा लगा था, जिसकी ताकत से तुमने जन्म लिया था, उन सभी एशियन स्कोर्स की पूरी इच्छाओं से जन्म लेने वाले तुम हमें हराओगे। और असुरा वेजिटा की बात सुन के वहाँ पे ही जम गया होता है, और वेजिटा असुरा को लगातार पंच मार रहा होता है, पर वेजिटा के उस मुक्को का असुरा पे कद्दू असर नहीं हो रहा होता। और तभी वेजिटा कहता है, हे जल्दी करो, हमें इसे हराने के लिए कुछ तगड़ा करना होगा। और तभी अचानक से ही ब्रोली को कुछ होने लगता है, ब्रोली के पूरे कपड़े अचानक से ही बदल जाते हैं, और उसके फेस के ऊपर एक डायमंड भी आ जाता है, ये वाला नहीं ये वाला। खैर छोड़ो, और वो फिर कहता है, तो क्या कहा करता था वो गोड, हाँ स्वागत है इस नए दौर में। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे असुरा ब्रोली और वेजिटा की इन बातों को सुन के बिल्कुल पागल हो गया होता है, और तभी असुरा वेजिटा को एक पंच मार देता है, और वो फिर कहता है, तो ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी तक सिर्फ अपनी 2% ताकत का ही यूज कर रहा था, पर तुमने उनेशन स्कोर्स की ताकत को जगा के बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब चखो मेरी पूरी ताकत का स्वाद। और तभी असुरा फिर से एक बार अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है, और गोकू अभी तक भी अपनी उस जगह से नहीं उठा होता, वो अभी तक अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर ही बैठा होता है। और फिर वेजिटा और ब्रोली कहते हैं, आखिर अभी तक कैकरोट ने उनकी ताकत को क्यों नहीं पाया, आखिर कैकरोट के साथ क्या हो रहा है, और वो करना क्या चाहता है। और तभी ब्रोली कहता है, उसे उस सैयन की ताकत को लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि हमने तो उनेशन गॉड्स की ताकत को पा लिया, पर कैकरोट ऐसा नहीं है, हम दोनों में ही एक ईवल था जो हर चीज को तबाह करना चाहता था, और इसी वजह से हमने उनेशन गॉड्स की ताकत को पा लिया वेजिटा, पर अब यह असुरा जो बनने वाला है हम इससे नहीं बच पाएंगे वेजिटा, हम इसे बस कुछ ही देर तक ही रोक पाएंगे, अगर उस टाइम तक कैकरोट ने उस ताकत को नहीं पाया तो ये हमारी आखिरी लड़ाई हो सकती है वेजिटा, हमें अपनी पूरी ताकत से उस कमीने पर अटैक
करना होगा। और तभी वेजिटा कहता है, मुझे मत सिखाओ ब्रोली जो मैं करना चाहता हूँ। और वेजिटा और ब्रोली असुरा के पावर अप करते दौरान ही उस पे हमला बोलना शुरू हो जाते हैं। पर असुरा के पावर अप के ओरा की वजह से उसके आसपास एक शील्ड बन गई होती है और वेजिटा हो और ब्रोली का कोई भी अटैक असुरा को नहीं लग रहा होता और असुरा कंटिन्यू अपनी पावर अप करता ही रहता है। और असुरा के उस पावर अप की वजह से हो और ब्रोली हो और वेजिटा के उस अटैक की वजह से पूरे का पूरा मेटावर्स ही कांपना शुरू हो जाता है। और तभी वेजिटा हो और ब्रोली कहते हैं, हमारा एक भी अटैक इस पे नहीं लग रहा, हमें कुछ और करना होगा, हमें अपने सबसे ज्यादा ताकत और अटैक को चार्ज करना होगा। और फिर वो दोनों अपने सबसे ज्यादा ताकत और अटैक्स को बनाना शुरू कर देते हैं, वेजिटा फाइनल फ्लैश और ब्रोली माउथ कैनन बीम। और जैसे ही इन दोनों के अटैक्स चार्ज होते हैं तो वो असुरा के ऊपर अपने उन अटैक को शूट कर देते हैं। और इन दोनों के अटैक्स के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि असुरा की शील्ड भी इन दोनों के उस अटैक को नहीं झेल पा रही होती, वो भी हल्का हल्का करके टूट रही होती है। और तभी अचानक से ही असुरा के पीछे दो अनजान शख्स प्रकट हो जाते हैं और वो असुरा के सामने आके ब्रोली हो और वेजिटा के अटैक्स को किसी अलग ही डायमेंशन में भेज देते हैं। और ये चीज देख के ब्रोली हो और वेजिटा शॉक्ड हो गए होते हैं। और तभी वो दो अनजान शख्स ब्रोली हो और वेजिटा पे आके हमला बोल देते हैं और वो दोनों इतनी ज्यादा स्पीड से आए होते हैं कि ब्रोली हो और वेजिटा को उन्हें देखने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है, पर फिर भी वो उन्हें देख लेते हैं। और वो चारों फिर एक दूसरे के साथ भिड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों शख्स का चेहरा। और वो दोनों शख्स बिल्कुल ज़ेनो के गार्ड्स की तरह ही लग रहे होते हैं, पर वो ज़ेनो के गार्ड्स होते नहीं, ये असुरा के गार्ड्स हैं और ये काफी ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि इनके पास असुरा की वो ताकत है जिन्हें असुरा ने अब्सॉर्ब किया हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है असुरा, और असुरा भी अपनी फुल पावर पे आ गया होता है और उसकी फुल पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि असुरा के गार्ड्स के साथ साथ वेजिटा और ब्रोली भी अपनी पावर अप करना शुरू हो जाते हैं। और तभी अचानक से ही असुरा जाके गोकू के ऊपर हमला बोल देता है। पर असुरा के वो सारे अटैक उस शील्ड पर लग रहे होते हैं जो वेजिटा ने गोकू के ऊपर लगाई होती है। और तभी असुरा कहता है, मुझे सैयन को उसकी ताकत लेने से रोकना होगा, मेरी एक गलती की वजह से वो दो तो उस ताकत को ले चुके हैं पर उनके पास भी अभी उस ताकत का फुल कंट्रोल नहीं आया, क्योंकि अगर उनके पास उसका पूरा कंट्रोल आया होता तो वो जान जाते कि मेरी कमजोरी आखिर है कहाँ। पर ये सैयन उन दोनों से काफी ज्यादा अलग है, इस सैयन के पास शुरू से ही वो ताकत थी जो मुझे चाहिए थी मुझे अपने आप को रिवाइव करने के लिए। इस वजह से अगर इस सैयन ने उस एशियंट सैयन की ताकत को अडॉप्ट कर लिया तो इस सैयन के पास तो उस ताकत का फुल एक्सेस आ जाएगा। और तभी वेजिटा असुरा को गोकू के पास देख के कहता है, तुम इस शील्ड को कभी भी नहीं तोड़ पाओगे असुरा, और अगर तुम इसे तोड़ना भी चाहते हो तो तुम्हें मेरी सैयन प्राइड को तोड़ना होगा, जो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। और तभी असुरा अपने मन ही मन कहता है, मुझे आज भी याद है उस सैयन ने मुझे मार डाला था, बस मेरा सिर्फ एक हिस्सा जो उस यूनिवर्स में बचा, और फिर करोड़ों सदियों के बाद उन सेलेस्टियल मेजिस और सेलेस्टियल गार्डियंस की लड़ाई हुई और उनकी लड़ाई की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी फोर्स इकट्ठा हो गई कि मैं अपने आप को फिर से रिवाइव कर पाया, पर उस समय उस गोजो सातोरु की इन्फिनिट शील्ड की वजह से मैं एक बार फिर से नाकाम हो गया। और आज फिर वैसा ही दिन है और उस सैयन की ताकत अब मुझे सेंस होना शुरू हो रही है और उसने मुझे मारने के बाद बस यही कहा था। और यहाँ पे असुरा चुप हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही गोकू की बॉडी के साथ कुछ होने लगता है, गोकू के आसपास एनर्जी का ओरा बनना शुरू हो जाता है और गोकू के सर के ऊपर एक हेलो का सिंबल भी आ जाता है। अरे भैया वो मरा नहीं, ठीक है ना, खैर आगे बढ़ते हैं। और गोकू की बॉडी ऐसी लग रही होती है जैसे कि उसने अल्ट्रा इंस्टेंट और सुपर सैयन गॉड को एक साथ मिक्स कर दिया हो, पर ये अल्ट्रा इंस्टेंट और सुपर सैयन गॉड नहीं होता। और तभी अचानक से ही गोकू की पूरी बॉडी चमकना शुरू हो जाती है और गोकू की एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वेजिटा ने जो गोकू के ऊपर अपनी वो शील्ड लगाई थी वो भी टूट जाती है भैया। और गोकू की एनर्जी के अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है कि असुरा को भी अपनी जगह से पीछे की ओर जाना पड़ जाता है। और तभी गोकू कहता है, तो ये है उन एशियन गॉड्स की ताकत जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे वेजिटा। और तभी
अचानक से ही गोकू अपनी जगह से गायब हो जाता है और वो बिल्कुल असुरा के पीछे आ गया होता है। और तभी अचानक से ही असुरा के उन दो गार्ड्स को भी कुछ होने लगता है और उन दोनों गार्ड्स के ऊपर काफी ज्यादा मुक्को की बरसात हो जाती है। और ये चीज देख के वो दो गार्ड्स और ब्रोली और वेजिटा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी वो दोनों गार्ड्स कहते हैं, पर आखिर किसने? और उन दोनों गार्ड्स के ऊपर गोकू ने हमला किया होता है और असुरा ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है, तो इस सैयन ने उसकी सारी ताकत को पा लिया, पर ये स्पीड तो उसके पास भी नहीं थी। उस एशियंट सैयन की स्पीड को मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उससे भिड़ा था, पर ये शक्ति तो उससे भी कई गुना ज्यादा है। और तभी वहाँ खड़ा गोकू कहता है, आसुरा आसुरा आसुरा, क्या तुम अपनी आखिरी बात पूरी नहीं करना चाहोगे? चलो रहने दो, मैं ही कर देता हूँ। मैंने तुम्हें उस समय भी यही कहा था कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम बने और मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम मरोगे। और तभी आसुरा काफी ज्यादा जोर जोर से हंसना शुरू हो जाता है और वो फिर गोकू वेजिटा और ब्रोली की ओर देख के कहता है, तो एक बार फिर से स्वागत है तुम सभी एशियंस गॉड्स का, जो हिस्ट्री के सबसे ज्यादा ताकतवर गॉड रह चुके हैं, वानितास, बातो और केंकू सेंजो। और आसुरा को गोकू वेजिटा और ब्रोली के पीछे उन तीनों एशियन गॉड्स की परछाई नजर आ रही होती है, जिसका अभी अभी आसुरा ने नाम लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू आसुरा के साथ लड़ना शुरू हो जाता है और दूसरी ओर वेजिटा और ब्रोली आसुरा के उन दो गार्ड से लड़ रहे होते हैं। और गोकू और आसुरा की फाइट तो एक बराबरी पर ही चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से ही गोकू आसुरा की किसी ऐसी जगह पर मार देता है कि आसुरा के मुंह से खून निकल जाता है और वो फिर कहता है, तो तुम्हारे पास उसकी सारी ताकत और यादें आ चुकी हैं। तुम उन दोनों की तरह नहीं हो सैयन, तुम्हारे पास शुरू से ही ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से मैं रिवाइव हो पाया, और अब तो तुम्हारे पास गेंको सेंजो की भी पावर आ चुकी है, तो अब तो तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके होगे। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ सैयन, कि तुम अभी भी मुझे नहीं हरा पाओगे। और तभी अचानक से ही असुरा गोकू के पीछे आ जाता है और वो गोकू को खींच के एक पंच मार देता है और असुरा के उस पंच की वजह से गोकू काफी ज्यादा दूर जाके घिर जाता है और असुरा लगातार गोकू के ऊपर अपने पंच की बरसात कर रहा होता है और वो फिर गोकू को उसके पैर से पकड़ के उसे घुमाने लगता है और वो गोकू को वेजिटा और ब्रोली की ओर फेंक देता है। पर गोकू इस दौरान सिर्फ हंस रहा होता है और यहाँ पे ऐसे लग रहा होता है कि भैया गोकू तो सिर्फ उसके मजे ले रहा है। और जैसे ही गोकू वेजिटा और ब्रोली के साथ जाके टकराता है तो गोकू को तो कद्दू कुछ नहीं हुआ होता, पर ब्रोली और गोकू की हालत पतली हो गई होती है और वो फिर गोकू से कहते हैं, हे कैकरोट, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही वेजिटा अपना बदला लेने के लिए असुरा के पास चला जाता है उसे मारने के लिए। पर इस बार वेजिटा असुरा को काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर देने लगता है और वो उसके वाइटल पॉइंट्स पे अटैक करना शुरू हो जाता है और असुरा भी ये चीज देख के काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो कहता है, तो ये तीनों सैयन सब उन तीनों की शक्तियों का यूज करना सीख रहे हैं। और तभी असुरा अपने उन दोनों गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो जाके ब्रोली पे हमला करें और वो दो गार्ड्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। पर ब्रोली उन दोनों गार्ड्स को इस बार अकेला ही संभाल रहा होता है, जहां पहले वो उन दोनों को संभाल ही नहीं पा रहा था। पर भैया अब समय बदल चुका है और फिर ब्रोली कहता है, इस ताकत का यूज करना काफी ज्यादा आसान है, बस मुझे इसकी लिमिट्स को समझना होगा और फिर इन पे अटैक करना होगा। और तभी ब्रोली कहता है, अनलिमिटेड इकारी। और जैसे ही ब्रोली अपनी इस टेक्निक को यूज करता है तो वो उन दोनों गार्ड्स को आराम से ही हैंडल कर लेता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू और वेजिटा जो असुरा के वाइटल पॉइंट्स पे हमला कर रहे होते हैं और असुरा ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, क्योंकि भैया वो गोकू और वेजिटा को छू ही नहीं पा रहा होता और इन तीनों की फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई होती है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में दरारें आना शुरू हो गई होती हैं। और तभी असुरा कहता है, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी असुरा अपने उन दोनों गार्ड्स को अपने पास वापस बुला लेता है और वो एक बार फिर से अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और इस बार ऐसा हो जाता है जिसकी भैया आप सभी ने तो उम्मीद नहीं की होगी। असुरा उन तीनों को एक साथ ही हैंडल कर लेता है और गोकू वेजिटा और ब्रोली भी ये चीज देख के शॉक्ड हो गए होते हैं और वो कहते हैं, पर आखिर कैसे? अब तो हम अपनी एशियन गॉड्स की ताकत का यूज कर रहे हैं। और तभी असुरा कहता है,
तुम चाहे अपनी एशियंट गोड्स की ताकत का यूज क्यों ना कर लो, याद रखो मैं भी उनकी ताकत से ही बना हुआ हूँ। और असुरा गोकू वेजिटा और ब्रोली को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारने लगता है और इस दौरान इन तीनों के मुंह से खून भी निकल आता है और तभी असुरा कहता है इन सब की ताकत को कंबाइन करने के बाद अब मैं बीस्ट बन चुका हूँ। और तभी अचानक से ही गोकू वेजिटा और ब्रोली अपने आप को संभालते हैं और वो असुरा पे हमला बोलने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी असुरा एक सिमिलर अटैक करता है और वो कहता है हकाई डिस्ट्रक्टर डिक्स सोलर फ्लेयर मसेखुन स्पेशल बीम कैनन ड्राया भीम कैनन इन्फिनिटी वर्ल्ड सयान स्पिरिट। और गोकू वेजिटा और ब्रोली ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं पर क्यों कैसे, ये तो हमारे ही दोस्तों के अटैक्स हैं। ये तो हमारे ही दोस्तों का हम पे ही उल्टा अटैक कर रहा है। वेजिटा ब्रोली सोलर फ्लेयर से बच के ये इस बार काफी ज्यादा ताकतवर है, इसके साथ हकाई की एनर्जी भी मिली हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही गोकू को गेंको सेंजो की मेमोरी याद आती है और वो कहता है क्या इसने उसका इस्तेमाल किया, पर अब तक काफी ज्यादा देर हो गई होती है क्योंकि असुरा गोकू के बिल्कुल पीछे आ गया होता है। और तभी असुरा गोकू को पकड़ के कहता है एंडलेस केज और लिटरली असुरा के सिर्फ ऐसा कहने की वजह से ही गोकू उस एंडलेस केज के अंदर जाके फंस जाता है। और फिर असुरा कहता है तो गेंको सेंजो आज तुम फिर मेरी उसी चाल में फंस गए, जब मैंने अपनी इस टेक्निक का तुम पे इस्तेमाल किया था तो मुझे लगा था कि तुम इसमें नहीं फंसोगे, पर तुम उस समय भी इसमें फंस गए थे सिर्फ अपने दोस्तों के अटैक्स को ही देखकर। और इस बार तुम फिर से फंस गए और इस सयन को भी तुम नहीं बचा पाए जिसको तुम ने अपनी शक्तियाँ हो और अपनी मेमोरीज दी हैं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं वेजिटा और ब्रोली जिनके ऊपर वो अटैक्स आके अचानक से ही डिसअपीयर हो जाते हैं और वेजिटा और ब्रोली भी ये चीज देख के शॉक्ड हो जाते हैं और वो फिर कहते हैं ये तो एक छलावा था। और तभी अचानक से ही वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को गोकू की एनर्जी सेंस ही नहीं हो रही थी। और तभी असुरा कहता है पिछली बार तो तुम्हें उन दोनों ने बचाया था, पर इस बार तो उन दोनों के पास इतनी ताकत ही नहीं कि वो तुम दोनों को बचा पाए। और तभी असुरा वेजिटा और ब्रोली के ऊपर हमला बोलने के लिए जाने लगता है और असुरा अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मैंने उन सभी को अब्सॉर्ब तो कर लिया, पर उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपने अंदर ही उन सभी से फाइट करनी पड़ती है, इस वजह से मैं उन सभी की पूरी ताकतों का यूज नहीं कर पा रहा, उनकी सिर्फ 10 या 5% ताकत से ही मैं इन दोनों से लड़ रहा हूँ, पर फिर भी इतने ज्यादा लोगों को अब्सॉर्ब करने के बाद मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी ओर वेजिटा और ब्रोली भी अपने मन ही मन यही सोच रहे होते हैं कि धत तेरी की, हम तो उन एशियन गॉड के सिर्फ 30% ताकत का ही यूज कर पा रहे हैं, सिर्फ कैकरोट ही अकेला था जो उनकी पूरी ताकत का यूज कर पा रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू और गोकू लिटरली एक अंधेरे से कमरे में पहुंच गया होता है और वो कहता है आखिर अब मैं ये कहां आ गया, आखिर ये जगह कौन सी है, आखिर उस असुरा का क्या हुआ। और तभी अचानक से ही गोकू को उस अंधेरे से कमरे में किसी की आवाज आती है और वो आवाज गोकू से कहती है मुझे माफ करना कि मैं वक्त पर तुम्हें अपनी मेमोरीज नहीं दे पाया, पता नहीं मेरी और तुम्हारी ताकत में इतना ज्यादा डिले क्यों हो रहा है, मैं जब भी तुम्हारे पास अपनी ताकत भेजता हूँ तो पता नहीं वो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा देर बाद क्यों आती है सयन, और जब मैंने इस पे थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है जिसे मैं ढूंढ रहा था पर वो मुझे कभी भी नहीं मिल पाई, अपने ही दुश्मनों को माफ करने की सयन, जिसकी वजह से मैं अपनी पावर्स को तुम्हें वक्त पे नहीं दे पा रहा हूँ सयन, और जो तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की ताकत है अगर तुम उस ताकत को मेरी ताकत के साथ मिलाते हो तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। याद करो वो असुरा भी कुछ यही कह रहा था कि तुम्हारी ताकत की वजह से वो फुल्ली रिकवर हो गया, तुम्हारे पास शुरू से ही ऐसी ताकत है जो उसे चाहिए थी, बस तुम्हें उसका यूज करना आना चाहिए सयन, और मैंने अपनी इस ताकत को पहले भी एक सयन को दिया था, उस सयन का नाम था आकुमो, पर उस सयन ने मेरी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया, वो उसे बुराई की तरफ ले गया, इस वजह से मैंने उस समय अपनी ताकतों को उससे वापस ले लिया था। और एक आखिरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ सयन, तुम्हें उन दोनों की ताकतों का भी यूज करना होगा, मेरा मतलब वानितास और बातों की,
जो इस वक्त तुम्हारे दोस्तों के साथ अपनी पावर शेयर कर रहे हैं, और ये अब तुम पे है कैकरोटिया सन गोकू। और तभी वहाँ से गेंको सेंजो गायब हो जाता है और फिर गोकू अपने आप में ही सोचने लगता है और वो कहता है उनकी शक्तियों का यूज। और तभी गोकू को एक बात याद आती है और ये विस की बात होती है। और विस गोकू से ये कह रहा था कि हमें पता नहीं उस फाइट में कितने ज्यादा ताकतवर वॉरियर्स हैं और हमें सिर्फ तुम्हारे दोनों का फ्यूजन चाहिए होगा, जैसा कि तुमने ब्रोली के खिलाफ किया था गोजीटा बनके। पर इस बार गोकू तुम एंजल पुटारा का यूज करोगे। और तभी गोकू कहता है कि मुझे याद है विस ने ब्रोली को भी पुटारा दिए थे, तो इसका मतलब अब हमारे पास 4 पुटारा इयररिंग्स हैं। चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोचना होगा। जैसा कि गेंको सेंजो ने मुझसे कहा है, अगर मैं उसकी और अपनी पावर को मिला देता हूँ तो मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और तभी गोकू अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और गोकू इस पावर अप करते दौरान अपने सारे दोस्तों और अपने सारे फैमिली मेंबर्स को याद कर रहा होता है। और तभी अचानक से ही उस पूरे काले से रूम में एक रोशनी सी फैल जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर। और बाहर आसुरा ने वेजिटा और ब्रोली को काफी ज्यादा बुरे तरीके से कूट दिया होता है। और तभी अचानक से ही वहाँ पे भी एक रोशनी फैलना शुरू हो जाती है और आसुरा भी ये चीज देख के शॉक्ड हो गया होता है। और आसुरा कहता है पर आखिर ये सैयन उस जगह से कैसे बाहर आ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू जो इस बार गेंको सेंजो की पूरी ताकत का यूज कर रहा होता है और ये चीज असुरा भी भाप लेता है और वो कहता है ये नामुमकिन है, इस सैयन ने उसकी ताकत को भी पा लिया, पर ये उससे भी कई गुना ज्यादा है। क्या इस सैयन ने उसकी ताकत को भी अपने साथ मिला लिया है? मैं इस बार अपने आप को मरने नहीं दूंगा, मैं इन तीनों को मार के इस पूरे कॉस्मोस पे राज करूंगा। और तभी अचानक से ही असुरा अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और वो इस बार अपने अंदर उन वॉरियर्स को टारगेट करता है जो उसके सामने निहत्ते पड़ गए होते हैं, या ऐसा समझ लो बिल्कुल कमजोर पड़ गए होते हैं। और बाहर असुरा की पावर लगातार बढ़ना शुरू हो गई होती है और गोकू इस चीज का फायदा उठाता है और वो वेजिटा और ब्रोली से कहता है कि अब मुझसे ये पूछने मत बैठ जाना कि मैं कहां चला गया था, बस अब मेरी ये बात मानो, अब हमें बस फ्यूज होना होगा। ए वेजिटा जल्दी करो और अपने कान में ये पुटारा इयररिंग्स पहन लो। और तभी वेजिटा अपने कानों में वो पुटारा इयररिंग्स को पहनते पहनते कहता है हे कैकरोट, अगर आज ऐसा ना हुआ होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी फ्यूजन नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, जल्दी करो। और तभी गोकू ब्रोली से भी कहता है कि हे ब्रोली, तुम्हारे पास भी तो पुटारा इयररिंग्स हैं, तुम भी अपने कान में तब पहनना जब मैं और वेजिटा फ्यूज होने वाले हों। और ब्रोली भी ये बात मान लेता है और यार वो माने भी क्यों ना भैया, अब उनके पास कोई और चारा बचा नहीं। और जैसे ही वो दोनों फ्यूज होने वाले ही होते हैं तो ब्रोली भी अपने कान में वो पुटारा पहन लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रोली भी उनके साथ फ्यूज होना शुरू हो जाता है। और गाइस मैं तुम सभी को बता दूं कि ये एंजल पुटारा है आम नहीं, जैसे कि मेरा गोल्डली टाइम चेंबर था आम नहीं। और हाँ, इसी वजह से ये तीनों एक साथ फ्यूज होने लगे। खैर आगे बढ़ते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस यूनिवर्स में दो ऐसी एनर्जीज बन जाती हैं जिस वजह से इस यूनिवर्स की टाइमलाइंस के साथ भी गड़बड़ होना शुरू हो गई होती है और दूसरी टाइमलाइंस भी तबाह होना शुरू हो गई होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है असुरा, और असुरा ने भी अपने अंदर इतने ज्यादा वॉरियर्स को कमजोर कर दिया होता है कि असुरा उन सभी की पावर्स को आराम से ही ले रहा होता है और उसने उन सभी ईवल गोकू वेजिटा और ब्रोली की पावर को भी ले लिया होता है और उसने उन सभी ईवल एनर्जीज को लिया होता है जो अलग अलग टाइमलाइन से आई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असुरा ने भी अपना पावर अब खत्म कर लिया होता है और अब असुरा पिछली बार से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया होता है। और तभी अचानक से ही असुरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक ऐसा लेजेंडरी वॉरियर जो अभी अभी गोकू वेजिटा और ब्रोली के फ्यूजन से बना है और वो फ्यूजन फिर कहता है हम हैं ब्रोकीटा। करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, हम हैं ब्रोकीटा। और फिर हमें दिखाया जाता है सुपर शिनरोन जिसके ऊपर एक अनजान सा आदमी बैठा होता है और वो अनजान सा शख्स कहता है तो उन्होंने फैसला कर ही लिया उसे हराने का फ्यूज होकर। और फिर हमें दिखाए जाते हैं असुरा और ब्रोकीटा। असुरा ब्रोकीटा को देख के काफी ज्यादा इरिटेट हो गया होता है और वो कहता है इन बेवकूफ सैयंस ने आपस में फ्यूजन कर लिया, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
और तभी असुरा ब्रोगीटा के ऊपर हमला बोलने के लिए चला जाता है और वो ब्रोगीटा पे काफी ज्यादा मुको की बरसात कर देता है और वो साथ ही साथ वो अटैक करता है जिन अटैक्स को उन सभी की एनर्जी से उसने लिया है, मेरा मतलब कामेहामेहा, फाइनल फ्लैश और ऐसे काफी सारे अटैक्स। और दूसरी ओर ब्रोगीटा, मेरे ताऊ ब्रोगीटा, इन अटैक्स को देख के वहाँ से कद्दू नहीं हिला होता और वो उन अटैक्स को आराम से ही अपने ऊपर लेता जाता है। और जैसे ही वो सभी अटैक्स ब्रोगीटा को जाके भिड़ते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा धमाका हो जाता है और आसुरा को ये लग रहा होता है कि भैया अब तो ब्रोगीटा गया, पर ना मेरे ताऊ, ना ऐसा तो नहीं होगा। और आसुरा अपने मन ही मन हंस रहा होता है कि उसने अभी तो इन तीनों को हरा ही दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लास्ट के अंदर से एक आवाज आती है और वो आवाज आसुरा से कहती है, आसुरा क्या तुम अपने इससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर अटैक्स नहीं कर सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है ब्रोगीटा और ब्रोगीटा को उन अटैक्स के साथ कद्दू भी डैमेज नहीं आया होता और तभी अचानक से ही ब्रोगीटा आसुरा के पीछे आ जाता है और आसुरा भी ये चीज देख के काफी ज्यादा शोक्ड हो गया होता है और पीछे खड़ा ब्रोगीटा काफी ज्यादा इवल स्माइल कर रहा होता है। और तभी ब्रोगीटा आसुरा को काफी ज्यादा खींच के एक पंच मार देता है और आसुरा उस मुक्के से बच नहीं पाया होता और आसुरा को उस मुक्के से काफी ज्यादा डैमेज भी पहुंच गया होता है। पर ब्रोगीटा यही नहीं रुकता, वो और भी काफी सारे अटैक्स आसुरा पे बोल देता है और ब्रोगीटा आसुरा को अपने ऊपर हमला करने का मौका दे ही नहीं रहा होता और आसुरा को ब्रोगीटा के अंदर उन एशियन गॉड्स की फुल ताकत का प्रेजेंस सेंस हो रहा होता है और वो कहता है, इन तीनों की वजह से एक बार फिर से मेरा प्लान नाकामयाब हो गया। और लिटरली भाई, जिन जिन लोगों को आसुरा ने अब्सॉर्ब किया होता है भाई, वो उन्हें मार डालता है और वो कहता है कि अब बस बहुत हो गया और वो अब उन सभी की ताकतों का पूरे तरीके से यूज करना शुरू हो गया होता है। पर इस बार आसुरा के लिए काफी ज्यादा देर हो गई होती है क्योंकि ब्रोगीटा ने आसुरा को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया होता है और दूसरी ओर ब्रोगीटा अपना सबसे ज्यादा ताकत और अटैक बना रहा होता है और उस अटैक का नाम होता है डार्क क्लोड डायमेंशन स्लैश। और आसुरा ब्रोगीटा के इस अटैक से नहीं बच पाता और वो वहाँ पे ही मरना शुरू हो जाता है और वो जाते जाते ये कहता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया केंको सेंजो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वहाँ से आसुरा डिसअपीयर होता है तो गोकू वेजिटा और ब्रोली भी अनफ्यूज हो जाते हैं और उनकी सारी की सारी पावर भी बस खत्म होने वाली होती है और तभी वो तीनों कहते हैं, पर अब इसका क्या फायदा, हम अपने दोस्तों और हम अपने परिवार वालों को तो बचा ही नहीं पाए। और वो तीनों काफी ज्यादा उदास हो गए होते हैं और तभी अचानक से ही उन तीनों के पीछे से एक बहुत ही तेज रोशनी आना शुरू हो जाती है और वो रोशनी और किसी की नहीं सुपर शिनरोन की होती है और उसके ऊपर वही अनजान शख्स बैठा होता है और गोकू वेजिटा और ब्रोली उस अनजान शख्स को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो अनजान शख्स और कोई नहीं जालामा होता है। वेट, क्या तुम्हें लगा कि जालामा मर गया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, रुको। और फिर हमें कुछ पास्ट की ग्लिम्स दिखाई जाती है जहाँ पे जैसे ही आसुरा आता है और वो उन सभी की ताकतों को अब्सॉर्ब करना शुरू होता है तो जालामा इस चीज को पहले ही भाप लेता है और वो वहाँ पे अपना क्लोन छोड़ के वहाँ से ही गायब हो जाता है क्योंकि वो ये चीज जानता था कि अगर वो मर गया तो सुपर ड्रैगन बॉल्स भी खत्म हो जाएंगे और आसुरा भी काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और इसी वजह से वो वहाँ से निकल गया। और जालामा ये पहले भी कर चुका था जब आसुरा सातरू गोजो के साथ लड़ रहा था। और फिर हमें दिखाई जाती है प्रेजेंट टाइमलाइन जहाँ पे गोकू वेजिटा और ब्रोली जालामा को देख के कहते हैं, पर आखिर आप बचे कैसे, आपको तो आसुरा ने मार डाला था ना। और तभी जालामा कहता है कि बस मैं वहाँ से किसी तरह बच के निकल गया और अब मेरे पास भी इतनी ज्यादा शक्ति नहीं बची कि मैं शिनरोन को ज्यादा देर तक समन करके रख पाऊँ, तो मैं जल्दी से जल्दी अपनी कोई सी भी तीन इच्छाएं पूरी करनी होगी। और वो फिर कहते हैं कि हमारी तीन इच्छाएं ये हैं कि जिन जिन लोगों को भी आसुरा ने अब्सॉर्ब किया था वो सभी वापिस आ जाएं और जितनी भी डिस्ट्रक्शन हमारी वजह से हुई है और जिन जिन टाइमलाइंस और यूनिवर्स को भी नुकसान पहुंचा है वो टाइमलाइंस भी बिल्कुल पहले की तरह हो जाए
जाएं और जितने भी ईवल वॉरियर्स यहाँ पे आए थे वो सभी भी अपनी अपनी टाइमलाइन में पहुँच जाएं। और ज़ालामा ये विश सुपर शिनरोन को बताता है और सुपर शिनरोन ये विश पूरी कर देता है। और जैसे ही ये विश पूरी होती है तो वहाँ पे सभी के सभी लोग वापिस आ जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा प्यारा अपना सातोरु गोजो। गोजो गोकू वेजिटा और ब्रोली को देख के कहता है, ओए तुमसे फिर से मिलके अच्छा लग रहा है, तुमने आखिरकार उस असुरा को हरा ही दिया। अरे ये तो मैं पहले से ही जानता था कि तुम उसे हरा दोगे यार। और गोकू वेजिटा और ब्रोली उन सभी को वापस आता देख काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और तभी सातोरु गोजो उन तीनों को रोता देख कहता है, ओए तुम क्यों रो रहे हो यार, ये तो पार्टी करने का समय है, तुम तीनों ने मिलके असुरा को हराया भाई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों के अंदर गोकू के अंदर गेंको सेंजो, वेजिटा के अंदर वानितास और ब्रोली के अंदर बातो, ये तीनों गोकू वेजिटा और ब्रोली से कहते हैं अलविदा सायंस। तो यप गाइज आज इस सीरीज का एंड हो गया है एंड आई होप गाइज आप सभी को ये सीरीज पसंद आई होगी। अरे भैया ये सीरीज मैंने लिखी थी तो आप सभी को पसंद आई होगी। अरे जोक था। एंड या गाइज आप सभी का थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरा इस जर्नी में मेरा साथ दिया था। आज से लगभग 7 महीने पहले मैंने सीरीज को स्टार्ट किया था एंड थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे प्यार दिखाया। और हाँ इतना ज्यादा टाइम इसीलिए लगा कि भैया मैं उस चैनल को छोड़ के अपने इस चैनल पे फोकस कर रहा था। देखो भैया स्टोरी लिखना काफी ज्यादा मुश्किल है और हाँ मुझे पता है पिछले कुछ पार्ट्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं बने थे क्योंकि गाइज तब मैं अपने गेमिंग चैनल पे फोकस कर रहा था यानी गेम प्ले वीडियोस बनाना। और हाँ गाइज उसे भी जाके सपोर्ट करो मेरे गेमिंग चैनल को, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ इंस्टाग्राम की भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर तुम सभी सोच रहे हो कि सीजन 2, तो हाँ ऐसा हो सकता है सीजन 2 भी आ जाए क्योंकि एंड में हमेशा की तरह मैंने एक सस्पेंस छोड़ दिया है। तो अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स पूरे हो गए तो हो सकता है कि सीजन 2 आ जाए। वैसे मैं पूरी तरह नहीं कंफर्म कर सकता कि आ जाए, वैसे हो सकता है। और हाँ गाइस फ्यूचर में मैं आप सभी के लिए ऐसी ही मांगा सलाता रहूंगा बल्कि इससे भी बढ़ के यार। और हाँ मैं एक मांगा के बारे में सोच रहा था, वो काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है जो कि यूनिवर्स नहीं मल्टीवर्स नहीं मेटावर्स में बेस्ड होने वाली है, मतलब तुम समझ ही सकते हो ना। खैर फिलहाल तो मैं अभी अपने गेमिंग चैनल पे ही ध्यान दूंगा, इस चैनल पे वीडियोस आएंगी। और हाँ गाइस मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी कि ड्रैगन बॉल से हट के भी कुछ वीडियोस आने वाली हैं तो उन पे भी आप सभी अपना सपोर्ट दिखाना। और हाँ उसके पीछे सातोरु गोजो था, ब्रोली के ऊपर उसने हाथ रखा हुआ था तो समझ सकते हो मैं किस पे वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि भैया मुझे भी व्यूज चाहिए। और हाँ मेरे चैनल पे काफी सारे लोग हैं जो जुजुत्सु काइजन देखते हैं तो जुजुत्सु काइजन की भी वीडियोस आने वाली हैं फ्यूचर में। आई होप आप सभी उस पे प्यार दिखाओ, ऐसा ना हो भैया मैं अपलोड कर दूं कोई देखे ही ना। तो गाइज मुझे कमेंट्स में बताना कि आप सभी को वैसी वीडियोस देखनी है। वैसे गाइज जब आप ही नहीं देखोगे तो मेरे बनाने का फायदा ही क्या। तो गाइज मैंने आप सभी से यही कहना था एंड आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेक श्योर टू आप सभी अंगूठा लगा के जाओ क्योंकि तुम्हारा भाई फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस लाता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दी वीडियो। तो गाइज तब तक के लिए बाय।